हे गाइस, वेलकम टू रेसलिंग जानते हो गाइस। बहुत बड़ी अपडेट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बियंका बेलेयर को लेकर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो चुकी है। सीएम पंक का रेसलमेनिया 40 के लिए क्या रोल होने वाला है। हमारे ब्रैंडी रोड यानी कोडी रोड की वाइफ ने रॉक एंड रोमन को ट्रोल कर दिया है इंटरनेट पे। एंड क्या कॉनर मैकग्रेगर रेसलमेनिया 40 में अपना डेब्यू कर सकते हैं, तो बहुत सारी अपडेट होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देना है, चैनल को आप सब्सक्राइब करो ताकि आप कोई अपडेट मिस ना कर सको। तो फर्स्ट अपडेट जुड़ी गाइस वो जुड़ी हुई है हमारे बियंका बेलेयर से। तो बियंका बेलेयर को लेकर यार बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो चुकी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वो ब्लैक फीमेल रेसलर है, तो गाइज वैसे भी यूएसए में ब्लैक फीमेल रेसलर जो होते हैं उनके लिए कंट्रोवर्सी कोई नई बात नहीं है, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सीज होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, उन्हें किसी ने कमेंट कर दिया कि ये ओवररेटेड स्टार हैं, मतलब ओवर पुश्ड स्टार हैं, और बेली को इनकी जगह मौका देना चाहिए, बेली को मतलब लाना चाहिए। और ये पोस्टर पर हर जगह रहती है, मतलब इसे रेसलमेनिया 40 के जो मतलब आपको पता है गेम प्ले उसके लिए भी रखा गया, तो बेली कहाँ है, ये मतलब क्यों इतना ओवर पुश्ड है। तो ये चीज़ें कही गई एक फ़ैन के द्वारा, तो गाइस उस पर उन्हें क्रिटिसिज्म हो गया। ब्लैक रिजिड वाले जो लोग हैं, मतलब आपको पता है जैसे इंडिया में फेमिनिस्ट हैं, इंडिया में बहुत से मतलब जनता होती है, मतलब अलग अलग गुटों में बटी हुई, वैसे ही वहाँ पर यूएसए में भी है। तो गाइस उस फैन ने ये चीज़ की, उसके बाद सभी उनके उसके पीछे हाथ धो के पड़ गए। एंड ड्रू मैकइंटायर, रिया रिपली, बहुत से सुपरस्टार्स ने मतलब सपोर्ट दिखाया बियंका बेलेयर के लिए। ठीक भी है, चलो दिखाया, बट यार जिसने कमेंट किया है वो तो एक मतलब नॉर्मल इंसान है जो नॉर्मल जॉब करता होगा, कुछ भी नॉर्मल करता होगा। एंड उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा रेसिस्ट के मामले में, मतलब कुछ भी नहीं बोला। उन्हें जस्ट ये बोला है कि मतलब हर जगह इसे क्यों डाला जाता है, बेली को क्यों नहीं लाया जाता, वो रॉयल रंबल विनर है, बाकी सुपरस्टार भी हैं, उन्हें क्यों नहीं पुश दिया जाता है। तो ये चीज़ कंट्रोवर्सी के थ्रू हुई है, मतलब कि हाँ कुछ लोग होते हैं ना जो कंट्रोवर्सी कर देते हैं जानबूझ के, मतलब ट्वीट को वायरल करते कि नहीं ये इसने हमारे बारे में कहा, इसने हमारे बारे में, भाई वो कोई सेलिब्रिटी थोड़ी ना होगा, नॉर्मल इंसान होगा, उसने कह दिया, कमेंट कर दिया। अब इंडिया में भी, बॉलीवुड में भी कई सेलिब्रिटीज़ को मतलब ट्विटर पर। तो गाइज ये अपडेट थी बियंका बेलेयर की कंट्रोवर्सी से। एंड गाइज अगर कंट्रोवर्सी तो हुई नहीं है, बेशक कोई बस उसने अपना ओपिनियन दिया है तो उसको मतलब इतना क्रिटिसिज्म मिल रहा होगा इस टाइम पे, तो सोचने की बात है कि ये भी होती है चीज़ें ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, मतलब क्रिटिसिज्म मिलता है कुछ बोला भी ना हो तो भी। तो ये चीज़ हुई है। बाकी बियंका बेलेयर के सपोर्ट में बहुत से सुपरस्टार आ गए, ड्रू मैकइंटायर, रिया रिपली, कईयों ने ट्वीट भी किया एंड सपोर्ट किया। बाकी गाइस और भी सुपरस्टार होते हैं जैसे जिंदर माल, उनके बारे में तो कोई बोलता भी नहीं है, तो उन्हें भी कितने नेगेटिव कमेंट मिलते हैं, बट इज ए इंडियन सुपरस्टार, दैट्स वाई यूएसए में सब अपने बिजनेस के लिए करते हैं, तो ये मैटर है। बाकी ये अपडेट थी बियंका बेलेयर से। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी गाइस वो जुड़ी कॉनर मैकग्रेगर से। कॉनर मैकग्रेगर क्या गाइस रिटर्न कर सकते हैं रेसलमेनिया 40 में, आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। बाकी गाइस देखो, टीकेओ के अंडर आती यूएफसी एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई मर्जर हो चुका है, तो गाइस आ भी सकते हैं कॉनर मैकग्रेगर, आ सकते हैं, लेकिन वो मैच रसल नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता कि आएंगे। बाकी यार वो गेस्ट के रूप में आ सकते हैं, जैसे होस्ट करने आ सकते हैं रसल मैंने 40 को, क्योंकि यूएफसी साथ में ही है डब्ल्यूडब्ल्यूई के। तो देखो गाइस, बाकी उन्होंने कहा कि मैं आ भी सकता हूँ, नहीं भी आ सकता हूँ, बाकी आते हैं या नहीं, बाकी वो तो डिपेंड कॉनर मैकग्रेगर पे करता है। एंड भाई साहब पैसों पर डिपेंड करता है, क्योंकि ही इज द बिगेस्ट सुपरस्टार ऑफ यूएफसी, तो मैटर फॉर मनी। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी गई वो जुड़ी है हमारी ब्रैंडी रोड से, जो हमारी वाइफ है कोडी रोड्स की। तो उन्होंने ट्रोल कर दिया हमारे रॉक एंड रोमन को, तो किसी ने पोस्ट डाली यूएसए का फ्लैग लगा के टू डॉग्स की, जिसपे लिखा हुआ था हेड ऑफ टेबल रॉक एंड रोमन, एंड उसे पोस्ट किया, मतलब रीट्वीट किया एंड छील के रख दी रॉक एंड रोमन की। एंड भाई साहब ट्रोल किया ना जिस लेवल पर, कतई खतरनाक है। एंड भाई साहब ये देख भी सकते हैं आप फोटो, इसमें रॉक एंड रोमन को एक ऐसे डॉग बना के दिखाया गया है। एंड भाई साहब ये तो ट्रोल चल ही रहा है, कोई कोडी के फैंस ट्रोल कर रहे हैं, कई तरफ रॉक के फैन ट्रोल कर रहे हैं, तो दोनों तरफ से ट्रोलिंग चल रही है। एंड देखो गाइस अगेन, इनकी 14 रेसलमेनिया में क्या बिट्रे होता है सेथ रॉलिंस की तरफ से एंड रॉक की तरफ से, और क्या कोडी फिनिश करते हैं अपनी स्टोरी लाइन या नहीं करते, ये तो तब पता चलेगा जब वहाँ मैच। हमारी लास्ट अपडेट जुड़ी है वो जुड़ी है सीएम पंक से। सीएम पंक टीज हुए हैं रेसलमेनिया 40 के लिए, जहाँ पर मतलब पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वहाँ पे वर्ल्ड का क्लाइड होने वाला कुछ, जहाँ पे सीएम पंक को अनाउंस किया गया एंड टिकट के लिए उनकी मतलब फ़ोटो मतलब यूज़ किया जा रहा है उन्हें, कि हाँ वो आएंगे एंड बात करेंगे अपने फ़ैन से, क्योंकि गाइस अगर वो फ़ैन से बात करेंगे मीन्स बातें ही होंगी, वो रसल तो करेंगे नहीं, इंजरी हुई पड़ी है उनकी, इंजरी मतलब उनके हुई पड़ी है हैंड पे, तो वो कहाँ से ही रसल कर लेंगे। एंड गाइस होस्ट कर सकते हैं या कोई टॉकिंग वे से आ सकते हैं। बाकी देखो गाइस होस्टर ही होंगे सीएम पंक अगर रेसलमेनिया 40 में भी आते हैं,
रेफरी का रोल भी कम ही प्ले कर सकते हैं। बाकी गाइस ये अपडेट्स या वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना। तो आप गाइस कैसे देखते हो बियांका ब्लेयर की इस कॉन्ट्रोवर्सी में? वैसे यार मुझे तो नहीं लगता कि उस बंदे ने कमेंट ही किया कि बियांका ब्लेयर को हर जगह क्यों डाला जाता है, सिर्फ ये कमेंट किया तो उस पर यार इतनी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी करनी ठीक बात नहीं। तो बाकी यार सबके अपने ओपिनियन होते हैं, तो आपके ओपिनियन क्या है कमेंट में बताना।